आपको मांग है कि सुबह 9 बजे जाते हैं, 4 बजे पे स्कूल जाते हैं, उसमें हम लोग को 1650 रुपया देता है। 1650 रुपये में क्या सरकार के पूछ जाएगा सब कुछ। अलग अलग संघ के लोग पटना के गर्दनी बाग में आकर धरना कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और रसोईया संघ है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि 10 महीने का वेतन मिलता है जो कि उनको 12 महीने चाहिए, और जो रसोईया संघ के विद्यालय में और भी झाड़ू परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। यहाँ पे जो लोग हैं हम चली जानते हैं उनसे, क्या आपकी मांग है? आपको मांग है कि सुबह 9 बजे जाते हैं, 4 बजे पे स्कूल जाते हैं, उसमें हम लोग को 1650 रुपया देता है। 1650 रुपये में क्या सरकार के पूछ जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए हम लोग को 10,000 चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन भर रहेंगे तो उसमें 100 रुपया पड़ेगा, तो 300 रुपया तो हम लोग को कुछ होगा। जैसे हम लोग को सुख नहीं है कि हम लोग को बच्चा पढ़े आगे बढ़े, हम लोग को वीडियो बने, सीओ बने, बड़ा बाबू बने, हम लोग को भी तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सुन रहे? इतना कम वेतन में कितना दिक्कत होता है? 10,000 मांग है। इतना कम वेतन में कितना दिक्कत होता है? बहुत खा में आकर धूल माटी में जरत मारी जा, तबियत नहीं खराब हुई, खाने के पीने के रहने के साधन नहीं है, पानी बिना तड़पत मारी जा, 1500-1600 में कहाँ होएगा? 1600 में कहाँ होएगा? कम से कम 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया हम लोग को साल भर, 1,00,000। घर कैसे पालते हैं? घर कैसे पालती है? मेरे 1600 में कुछ नहीं होने वाला, मुझे 10,000 मंदे हम मांग है, उसे पूरी करना है। अंतः लोग कुर्सी से नीतीश कुमार को उतार दे, अंतः उसको नीतीश मोदी को उसका कुर्सी टूट जाएगा। सब दीदी लोग मिलके आगे क्या कीजिएगा? आगे सरकार को सुनाने के लिए क्या कीजिएगा?